जय श्री राम दोस्तों। तो आज आपने थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे कि आज किसके बारे में बात होने जा रही है, किस चीज़ पे आज थोड़ा सा जानकारी देने वाला हूँ मैं। आपने थंबनेल पे देखा होगा कि AQL क्या है, AQL क्या है, तो इसी पे आज थोड़ा सा जानकारी देंगे कि AQL क्या है और ये कहाँ पे यूज होता है, इसका कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है इसकी, ठीक है। और नीचे मैंने थंबनेल में लिख भी दिया है AQL का फुल फॉर्म जो होता है वो मैंने लिख दिया है, एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल, ठीक है। अब ये एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट आया था उसके अकॉर्डिंग हम ये वीडियो लेके आए हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरी वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है दोस्त, क्योंकि मेरा भी मनोबल जो है जब ही डाउन हो जाता है, जब कमेंट वगैरह नहीं आते हैं और लाइक नहीं आते हैं। हालांकि कमेंट तो आ जाते हैं, क्वेश्चन कई ऑडियंस के क्वेश्चन रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो जो है बनाता हूँ, जो उनके क्वेश्चन होते हैं उन पे मैं डिस्कस करके उसके बाद मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो बहुत मुझे अच्छा लगता है कि आप कमेंट करके मेरे से क्वेश्चन पूछें, तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको अगली वीडियो लेके आ सकूँ। तो बस यही है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें, ठीक है। तो आज के टॉपिक पे वापस आते हैं दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं आगे जो भी टॉपिक है। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक्सटाइलिंग अनुरीत यादव चैनल में, और स्टार्ट करते हैं कि AQL क्या होता है। तो दोस्तों ये सही बात है कि AQL है क्या, तो दोस्तों किसी भी कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी क्वालिटी लेवल को कैसे जांचें। तो कोई भी, जैसे आपको पहले मैं थर्ड पार्टी निरीक्षण के बारे में बता ही चुका हूँ, तो हर कंपनी में किसी भी प्रोडक्ट का AQL के हिसाब से ही माल भेजा जाता है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी वो AQL के हिसाब से ही आपका इंस्पेक्शन करता है माल का, और उसके बाद जब AQL के हिसाब से माल सही होता है तो वो माल भेज दिया जाता है। तो AQL यहाँ पे यूज करते हैं, क्वालिटी एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल यहाँ पे यूज करते हैं। हालांकि आप अब ये कह रहे हैं कि AQL के हिसाब से ही क्यों माल भेजते हैं, एक्चुअली यह है कि अब सपोज करो 10,000 का लॉट है, अब थर्ड पार्टी कोई 10,000 पीस आपका जो है 100% तो चेक नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो उसकी कॉस्टिंग बहुत हाई होगी, ठीक है, कितना समय लगेगा, कितने बंदे लगेंगे, और तो इसलिए उसकी कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इम्पॉसिबल है कि सारे पीस को 100% चेक करना होता है। तो इसीलिए थर्ड पार्टी ने और ये AQL का चार्ट जो होता है उसका सहारा लिया है, उसके हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करते हैं उसी के हिसाब से। तो दोस्तों आज मैं उसी के बारे में बताना चाहूँगा कि AQL कैसे वो वहाँ पे चार्ट फॉलो करते हैं। सपोज करो किसी, मैं जैसे गारमेंट से हूँ तो मैं गारमेंट कंपनी के हिसाब से मैं बताऊँगा कि मान लो गारमेंट कंपनी में 1,000 का लॉट है, तो अब 1,000 लॉट में 1,000 का लॉट है तो वो 100% इस लॉट को पूरी तरह से इंस्पेक्शन नहीं कर पाएगा, कोई भी थर्ड पार्टी होगा तो वो AQL चार्ट यूज करके ही इस सेगमेंट को इंस्पेक्शन करता है, और उसके बाद अगर वो पास हो जाती है तो वो भेज देता है, अगर पास नहीं होती है तो जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे रीचेक के लिए डाल देता है। उसके बाद फिर जो है री इंस्पेक्शन होता है, और उसके बाद जब वो क्वालिटी के हिसाब से AQL के हिसाब से अगर पास हो जाती है तो वो माल को भेज देता है, सेगमेंट को भेज देता है, पास कर देता है। तो देखते हैं ये जो आपको चार्ट मैं दे रहा हूँ इसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों चार्ट कुछ इस प्रकार से दर्शाया गया है, तो आप देख लिए चार्ट में
सबसे पहले लॉट क्वांटिटी, उसके बाद सैंपल क्वांटिटी, उसके बाद हमारा यूकल लेवल दिखाई देता है 1.5, 2.5, 4 और 6.5। दोस्तों इस चार्ट को भलीभांति देख लें और इसी के अकॉर्डिंग हमारा AQL इंस्पेक्शन होता है। दोस्तों आगे तक हमें कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि हमारे गारमेंट में हमारा AQL 1.5 और 2.5 यूज ही होता है केवल, ठीक है। दोस्तों इसे यूज कैसे करना है, तो इसमें लॉट क्वांटिटी जो दिया है ये हमारी जो सेगमेंट क्वांटिटी, कितने की सेगमेंट है, 1000, 20 की, 500 की, 600 की, 800 की, 2000 की, 2500 की, 4000 की, जो हमारी सेगमेंट क्वांटिटी होता है उसे हम लॉट क्वांटिटी, यहाँ पे लिखा गया है उसे लॉट क्वांटिटी में से। फिर हम जैसे सपोज करो हमारी सेगमेंट 1000 पीस की है, ठीक है, तो इसमें देखो 1000 पीस के अंदर हमें कहाँ पे AQL देखना है, तो यहाँ पे दिया गया है 501 से लेके 1200। तो ये हमारा 1000 की सेगमेंट हमारे 500 से और 1200 के बीच में आ जाती है, तो इसमें हम कितने पीस हम लेंगे। अगर हम मैक्सिमम एक्सपोर्ट में 2.5 पे हमारा AQL चलता है, तो अब हम लॉट क्वांटिटी 1500 पीस की सेलेक्ट करेंगे, तो इसमें हमें 125 पीस लेना है, जिसके अकॉर्डिंग 2.5 के अकॉर्डिंग अगर हमें 7 अल्टर मिल जाता है, 7 अल्टर अगर मिल गया तो पास है, अगर 7 से 8 अल्टर हमें मिल जाता है तो फेल हो जाती है। अब इसमें क्या होती है कि अल्टर की कैटेगरी भी होती है कि अल्टर आपको डिफेक्ट किस टाइप के मिले हैं, मेजर है, माइनर है या क्रिटिकल है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 2.5 लेवल पे हम 7 डिफेक्ट को मेजर में लेंगे। अगर आपको 7 डिफेक्ट मिला है मेजर का, तो हमारा चार्ट ये कहता है कि 7 तक आप सेगमेंट को पास कर दो और सेगमेंट को भेजने के लिए रिपोर्ट दे दो, ठीक है। अब इसमें माइनर क्या है, जैसे हमारे 7 पीस मेजर निकल आए और 10 पीस माइनर डिफेक्ट के हैं, तो हम इसको सेगमेंट को ओके कर देंगे। अगर इससे ज़्यादा, 7 से ज़्यादा 8 अगर पीस हमारे मेजर हो जाते हैं, तो सेगमेंट को हम नॉट ओके करेंगे और हम री चेकिंग के लिए वोट डाल देते हैं। तो दोस्तों हम आगे आपको चार्ट में और दर्शाएंगे कि 1.5 पे कितना हमें सैम लेना ही होता है, लेकिन कितने पीस पे हमारी सेगमेंट पास होती है और कितने माइनर डिफेक्ट होते हैं, कितने मेजर डिफेक्ट पे हमारी सेगमेंट पास होगी। तो ये अभी मैं आपको बता रहा था 2.5 पे कि अगर 1000 का लॉट है, अगर हम इसको इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो हमें 7 डिफेक्ट मेजर अगर आ जाते हैं तो हम सेगमेंट को ओके कर देते हैं, 10 डिफेक्ट माइनर आ जाते हैं तो ओके कर देते हैं, अगर इससे ज़्यादा आता है तो हम सेगमेंट को फेल कर देते हैं। दोस्तों इस चार्ट में दर्शाया गया है, देखो लॉट साइज, सैंपल साइज जो दिया गया है, उसके आगे क्रिटिकल डिफेक्ट, मेजर डिफेक्ट और माइनर डिफेक्ट, सारे का आकलन दिया हुआ है, सारे के नंबरिंग दिए हुए हैं कि कितना हमें, ये सब जो दिया गया है ये हमारी एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो हम वो सेगमेंट को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जो चार्ट आप भली भांति देख सकते हैं, इसमें सारी डिटेल में दिया हुआ है, हमारा लॉट साइज, सैंपल साइज, क्रिटिकल डिफेक्ट, मेजर डिफेक्ट और माइनर डिफेक्ट, तो सारे कितने लॉट में कितना मुझे सैंपल लेना है, कितने पे हमारी सेगमेंट ओके होगी, इस चार्ट को देख। तो दोस्तों ये नेक्स्ट चार्ट है, ये हमारा चार्ट 2.5 AQL चार्ट है। तो इसमें आपको सारी डिटेल दी गई है कि कितना हमें एक्सेप्ट करना है, कितना रिजेक्ट करना है, तो इससे भी आप याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये 2.5 की चार्ट है। अब इससे आगे जो हम चार्ट आपको देंगे वो
1.5 की चार्ट होगी जो कि बहुत कम यूज करते हैं। वैसे मैक्सिमम चार्ट ये एक्सपोर्ट लाइन में 2.5 पे ही करते हैं, तो नेक्स्ट चार्ट जो आएगी वो 1.5 की। मेरे दोस्तों, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये AQL 1.5 की है, जो इसमें टोटल ऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है। उसके बाद जो इंस्पेक्टर होता है वो इसमें से सैंपल लेता है, सपोज 1000 के लॉट साइज में, 1000 की सेगमेंट में से सैंपल उसने कितना लिया है दोस्तों, 50 पीस लिया है। और इसमें जब वो इसको इंस्पेक्शन करेगा 1.5 पे, तब इसमें दिया गया है 50 पीस पे 2 पीस उसको एक्सेप्ट होगा, 2 अगर डिफेक्ट उसको मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो पास कर देगा। अगर 3 डिफेक्ट मिलता है तो वो सेगमेंट को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि AQL यही कहता है और उसके हिसाब से वो 3 पीस निकलने पर सेगमेंट को रिजेक्ट कर देगा और वो उसको रीचेकिंग के लिए डाल सकता है। ठीक है दोस्त, तो आज आप भली बात समझ गए होंगे, मुझे आशा है कि अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि AQL क्या है, AQL पे किस प्रकार से काम होता है। ठीक है दोस्तों, और मोस्टली गारमेंट में 2.5 पे AQL अप्लाई करते हैं और गारमेंट में 1.5 में तो बहुत ही कम यूज होता होगा, होता है लेकिन बहुत कम होता है। और इसी के अकॉर्डिंग हमारी जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर आते हैं, वो इंस्पेक्टर हमारी सेगमेंट का निरीक्षण AQL के हिसाब से करते हैं। तो आज के लिए बहुत है इतना आपके लिए। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री